Hey guys, good morning. Welcome back to another new blog. आज हम हैं रेडो किला में, यहाँ पे देखो सुबह सुबह उठ के यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। मोटे बना रही है नाश्ता, दीदी बना रही है नाश्ता। क्या कर रहे हैं तुम? आज सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा बारिश हुआ, यहाँ पे खतरनाक वाला बारिश हुआ है। पूरी बनाएंगे, क्या पढ़ा स्कूल में? मैगी बनाना। इतना बड़ा बड़ा पूरी रहेगा? मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो छोटा वाला। अच्छा, उसको काटेगी, ब्रश करेंगे तब तो खाएंगे। तो ब्रश किया? वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, रानी भी नहीं की है मेरे ख्याल से। रानी तो अभी उठ रही है 8 बजे, कल का बात सच हो गया। तो आज हम सुबह सुबह सबको तैतून कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम स्पेशल चीज, आओगे मेरे साथ? आ जाओ गाइस, फॉलो मी। आज मैं दिखाता हूँ आप लोग को पहली बार जामुन। देखो कितना मस्त फला है गाइस, जामुन। सुबह सुबह आज हम लोग को जामुन देखने के लिए मिल गया, फ्रेश हो गया, बन गया बड़ा बड़ा। लेकिन आज इस जामुन को देख के मुझे खाने का मन कर रहा है। अरे बड़ा बड़ा है, सब गिर जाएगा। मोटे मजाक नहीं कर, सब गिर जाएगा। नीचे का मत उठा। अरे बारिश हुआ है ना, अभी वो पूरा गीला है। मेरे लिए भी लेके आ। कौन सा बिंडल तेरा है? मेरे लिए भी। तो हम लोग बोरिंग चला के यहाँ पर ब्रश कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है गाइस, और मैं ब्रश करके शुरू भी कर दी जाम भरा। और इसको देखो छोटी को, तीन तीन तो पकड़ी है भाई। सब मेरा नहीं है उसका। इसके बाद हम जामुन खाएंगे और मैं चिंता कर रही हूँ। देखो हो गया, जबरदस्ती मेहनत करवा रहे मेरे से। घर में पूरी सब्जी बनना है, खाने चलते हैं। और छोटी आगे आगे से देखो जामुन तोड़ने आगे। देखो गाइस कितना यम्मी लग रहा है। खा भी ली मोटी, टेस्टी। मेरे पास तो इतना सारा फ्रूट है, ऐसे खा लूं? खा लो, ऐसा खाओ। इतना भी नहीं पकाऊंगी तो उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोग जा रहे हैं। जो गनाई गणेशी और दीदी का हाथों का बनाया हुआ आज खाते हैं पूड़ी। इन लोग तो पाँचों लोग मस्त खा लिए। चलो नाश्ता करते हैं मस्त पूड़ी के साथ, आज दिन शुरुआत करते हैं। ना यार, पेटी में मत घुसना ऐसे कभी ना, ठीक है? मान के चला ऐसे अंदर से नहीं निकला, लाख हो गया ऐसे, फिर तो मर जाएंगे आदमी। कभी वैसे मत करना, ठीक है? सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं छोटी को छोड़ने के लिए। एक रात हम रुड़केला में छोड़े, आज दिन में मेरे यहाँ रुके, आज दिन में मेरे यहाँ रुके। मोटे इसके गाँव जा रहे हैं और इसके गाँव में खाएंगे मछली। और रानी के यहाँ आए थे तो चिकन खाए, तो चलो निकलते हैं। चार्ज भी कम है वैसे मोबाइल में। मोटे बस खाने के लिए घूम रहे हम, खाने के लिए नहीं, अभी पढ़ाई के बाद ये गणेशी आई है ना, तो इसलिए थोड़ा अभी आई है तो रोक रहे हैं, बाद में तो पूछेंगे नहीं। तो मोटी को लेके ऐसे ढोके ले जाऊंगा पाकुट। हैव ए नाइस ग्रेट डे। हम लोग सुबह निकल जाते हैं, लेकिन सुबह में बारिश हो रहा था। रानी बाय। गाइस हम पहुंच गए हैं पाकुट छोटी के गांव। यहां पे मेरा बचपन गुजरा है, बचपन से मैं यही ज्यादा पला बड़ा हूँ। चलो हम पहुंच गए छोटी के यहाँ। हम ए लाइट है ना यहाँ, यहाँ तो अच्छा खासा लाइट है, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। मेरा चार्जर ही नहीं है। तेरा एडमिशन हुआ? तेरा भी नहीं हुआ है। मेरा हो जाएगा, तेरा और छोटू का तेरा हुआ। ए इधर देख तो कितना बड़ा हो गया। सही, तेरा छोटू का और सरोन का, तीनों का एक ही साथ करेंगे एक ही मोड़वा में, डायरेक्ट 5 लाख में निपट जाएगा।
खत्म। सही तो फालतू का 15 लाख क्यों खर्चा करेंगे? शादी में तेरे को भी कर देंगे ना, नहीं बनेगा। मैं सोचा था कि 22 साल में शादी करूंगा, लेकिन मैं ऐसा 28 साल में शादी किया था। सो गाइस, हम लोग पाकुड़ से डायरेक्ट घर में मिल रहे हैं आप लोग को, और हम लोग ब्लॉग नहीं शूट करने का कारण ये था कि चार्ज मेरा मोबाइल डेड हो गया था, और इस वजह से ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। इतना सारा मछली लाए हैं, देखो जीजा लोग दिए, मैं बोला था ना डैम में बहुत मिलता है, तो देखो इतना सारा। और इसको हम लोग कर रहे हैं फ्राई, इसको तलाई फ्राई जो भी बोलते हैं, बाकी ये काम कर रहे हैं, सबको करना है। 4 किलो है, 4। अगर मच्छी को ऐसे ही रखेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा, तल के रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। आते ही मैं एक काम कर दिया, पूरे घर के साफ सफाई कर दिया, झाड़ू कर दिया, और गणेशी कर रही है अपना काम, उसका काम मैं कर दिया, मेरा काम वो कर दिया, अदला बदला ना मैं तुम्हारा ही काम है, लेकिन तुम्हारा काम को मैं कर दिया। थैंक यू। क्या कर रहे हैं मोटे? मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या सब्जी आज? मछली। सब्जी बनाऊंगा? मछली बना दूंगा। बन जाएगा? बना दूंगी। हमारे घर में कल मैं इन्वर्टर का तेल लाने भूल गया, तो कई ऐसे कनेक्शन है जो जल नहीं रहा है, और टीवी जो मेन है वो इन्वर्टर में कनेक्शन था वो भी काम नहीं कर रहा है। टीवी देखते टीवी भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे पापा आ गया। पापा आपका बाल कल काट दूंगा ना, पापा का बाल देखो कितना बढ़ गया है। मैं पापा की उम्र तक होते होते कितना, मेरा तो बाल ही नहीं रह गया जैसे लगता है मोटे। ना पापा का, लेकिन देखो कितना घना बाल है। इन्वर्टर से कनेक्शन कैसे हटाऊं? इन्वर्टर से कनेक्शन देना ही पड़ेगा उसको, फिर कनेक्शन हटाऊंगा ना तो फिर वो वायरिंग वालों को बुलाना पड़ेगा, उसको फिर डायरेक्ट करेंगे लाइट में, तब जाके ऐसे ही होता है। उसमें से कनेक्शन से इन्वर्टर से ना कुछ करंट ही नहीं दे रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ पे सब्जी बनाने का काम दे दिया है। तो आज मेरे पति जी मछली का सब्जी बनाने वाले हैं, और मेरे रिक्वेस्ट पे कि ले सिंगा आज सब्जी बना दोगे क्या, तो बोले ओके चलेगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे पति कैसे बना रहे हैं सब्जी। छोटी और हमारे भांचा भांची लोग निकल गए ना, चले गए तो पूरा सुना सुना लग रहा है। वो लोग रहते तो कितना मस्त चहल पहल होता रहता था। ना मेरा नेट चलता है, ना फोन चलता है, डब्बा है बस। सब्जी बनाना कोई आसान या कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत मुश्किल से सब्जी बनता है। मैं नोटिस किया हूँ कि हर किसी के हाथ का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्वाद आता है। जैसे मैं बनाता हूँ अलग स्वाद आता है, गणेशी बनाती है अलग स्वाद आता है। गाइस, गांव में ना सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और वो तकलीफ मैं बताऊँ क्या, पूरा कीड़ा ना अगल बगल खिड़की, वो छोटा छोटा खिड़की से है उससे घुस जाता है। तो अभी जितना भी खिड़की है ना सबको हम बंद करवाने के लिए उसका कांच लगवा रहे हैं। तो 1 सप्ताह हो गया कांच वाला भैया, अभी तक हम लोग को बोला था कि 2 दिन में कांच बना के लगा के दूंगा, लेकिन अभी तक लगा के दिया नहीं है। हम लेके जा रहे हैं कूलर, पानी क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक भाप से भाग जाता है। कूलर लेके जा रहे हैं, आज कूलर का जरूरत है। हमारे रूम में तो जगह ही नहीं है यार। जगह नहीं है तो क्या होगा, साइड में लगा दें, यही लगा देना साइड में, क्योंकि ऊपर वाला पंखा है ना वो इन्वर्टर से जुड़ा है, थोड़ा गर्मी में रह नहीं सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये वाला भी लाइट नहीं जलेगा, ये वाला जलेगा। हम इतने भुलक्कड़ हैं ना कि क्या ही बोलूं, दोनों जन एक ही सेम ही कैटेगरी के हैं। नहीं है कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी। मैं इनसे बेटर हूँ थोड़ी, ये कुछ ज्यादा भुलक्कड़ है, कुछ बोले रहेंगे मुझे लाना है वो लाना है, इसलिए आज हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि कल हम लोग को कल मार्केट लगता है ना, सैटरडे मार्केट रहता है, दिमाग से उतार ही जाता है। सो चलो देखते हैं कि मेरे पति जी जो सब्जी बना रहे थे वो बन गया क्या, और कैसा बना है हम रिव्यू देंगे आगे। हाँ मिली सिगा मोटे, एक कमी है। हाँ सूखा बनाया कि दाल बनाई कैसे? नहीं नहीं, रस्सा बनाना है। रस्सा बनाना, देखो वही बन रहा है धीरे धीरे, उतना खास रस्सा कहाँ डालूंगा इससे पानी, ऐसे कौन डालू, मतलब ओके हो गया है। तो ये सुपर फास्ट ऑलराउंडर हस्बैंड है मेरे, जिनका सब्जी अभी कंप्लीट हो चुका है और बहुत टेस्टी बनाते हैं, आज दोपहर में बनाए थे, इसलिए मैं सोची कि मैं क्यों बनाऊं जब इनको आता है। हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर खाना खाने के लिए, बस यहाँ पे बनता है सब्जी, बाकी सब ऊपर में बनता है, और जा रहे हैं सब इकट्ठा से वहाँ से खाना खाएंगे।
इतना काम करती है यार मेरी मोटी, सही में तो इतना प्यारी वाइफ मिली है। गाइस ये उठ नहीं रही इस टाइम, ये प्रिस्का ना मत खाना खाने में बहाना करती रहती है। नहीं लग रहा। और उसकी मम्मी पूरा हाथ धो के बैठी है उसको खाना खिलाने में। उठ जा मोड़े। हाँ पानी गिराओगे तो मैं उठूंगी। हम नाइट का 8:36 में खाना खा रहे हैं। वैसे तो दोपहर को खाए थे हम लोग 3 बजे, भूख थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन दोपहर में पेट के लिए खाना पड़ेगा। यहाँ पे पापा बैठ गया है खाना खा रहा है मस्त सा, ऐसे हमारे गांव में खाते हैं भाई ऐसे बैठ के। पापा अच्छा लग रहा है सब्जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा है। रोने के लिए बहाना खोजती रहती है कि कितना टाइम रो, और रोने का उसका सबसे बेस्ट टाइम रहता है शाम को, जब भी खाना खाने के लिए उसको बोलो तो रोना शुरू कर देती है। तेरे को रोने का मन ही करता है क्या प्रिस्का? हंसो के रो रही है। लो ये मेरा खाना आ गया, मस्त सा मछली चावल। इतने रात में मोटे को भी देख रहे हो क्या क्या सूझ रहा है, ये होता है लड़कियों का शौक, लड़कियों का फैशन। तो ये प्लांट लेके आई थी मोटे वहाँ से रोडू किला से, इसको अभी सजा रही है। और ये मेरे को कैसे क्या दिख रहा है बताऊँ, ये बताऊँ भुट्टा का पेड़ जैसा। सही में भुट्टा का पेड़ जैसा लग रहा है। भुट्टे का पेड़ होता है बताओ? मैं भुट्टे का वो पौधा तो होता है ना। एलोवेरा ये सब मैं अपनी दीदी लोग के यहाँ से, एक छोटी दीदी के यहाँ का है एक बड़ी दीदी है, ये कांटा है ना मेरे को 3 बार चुभा है अभी तक, लेकिन अच्छा लगेगा ऐसे, ये बढ़ेगा ना है ना, बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। मैं इसको ना रूम में ही सजा के रखूंगी, जब सनलाइट दिखाना होगा खिड़की पे रखूंगी, बाकी टाइम रूम में रहेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, चाहिए मत सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, तब तक ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना आपके भाई के ऊपर, तब तक बाय, गुड नाइट मटर, गुड नाइट।